आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी में तीसरा दीक्षांत समारोह होगा। 3 दिसंबर को रांची के आर्यभट्ट सभागार में इसका आयोजन होगा, जिसमें राज्यपाल शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटी में कई कोर्स चलाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी जल्द ही साइबर सिक्योरिटी और माइनिंग मशीनरी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण पर कोर्स शुरू करने वाला है। आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी झारखंड अपनी स्थापना के 13वें वर्ष में है। यहाँ 900 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। मैनेजमेंट स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी और कानून की पढ़ाई यहाँ पर होती है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर ओआरएस राव ने बताया कि आईसीएफआई यूनिवर्सिटी में बाहर के छात्र भी पढ़ाई करते हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में हम तो एक बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स एक नया प्रोग्राम तो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो डेटा साइंसेज बिजनेस एनालिटिक्स का इतने सड़क अपॉर्चुनिटीज सब तो निकल रहे हैं, इसको लेके हम तो बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमारा एमबीए में भी हम तो बिजनेस एनालिटिक्स हम तो जोड़ दिया था, इसको तो इलेक्टिव्स देते हैं। दूसरी चीज़ अभी तो ग्रामीण व्यवस्था में सड़क डेवलपमेंट के वास्ते रूरल डेवलपमेंट का हम तो एक नया प्रोग्राम एक नया इलेक्टिव हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जल्दी कुछ नए कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाला है। मैनेजमेंट स्टडीज में बीबीए इन बिजनेस एनालिसिस और डेटा एनालिसिस के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में माइनिंग मशीनरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण दक्षता की शिक्षा देने वाला कोर्स भी शुरू होगा। इसके साथ ही बीसीए के तहत साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई भी जल्द शुरू होगी, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। बीसीए में हम तो लास्ट ईयर एक बीसीए डेटा साइंसेस और डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया प्रोग्राम हम तो शुरू किए थे और इसका इतना बढ़िया रिस्पांस था। इसको लेके 2023 में बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम चीज़ होते हैं अभी तो डिजिटल मार्केट में, डिजिटल वर्ल्ड में, इसको लेके एक बीसीए साइबर सिक्योरिटी का नया प्रोग्राम हम तो नेक्स्ट ईयर से हम तो सर्वे स्टार्ट करने वाले। यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई थी, तब से अब तक विश्वविद्यालय में 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी है। यहाँ के पास आउट छात्र छात्राएं देश विदेश के मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी को इस बात का भी गर्व है कि यहाँ गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र छात्राएं ज्यादा पढ़ते हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।